ये फिल्म रैकेट फिल्म का गाना है। राकेश निराला मेरा बहुत ही पुराना मित्र है, शायद सबसे पहला जिंदगी में बड़े बैनर का फिल्म जो मैंने किया था राम गोपाल जी के लिए, उसके पहले भी काफ़ी हमने गाने किए थे नदीम शरण के साथ, पर राकेश तब से मित्र है मेरा। वो गाना हमने संदेश जी के लिए रिकॉर्ड किया था, राकेश ने शब्द लिखे थे, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है और आज फिर से एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिला है। तो राकेश ने इसका म्यूज़िक भी दिया है और इस फिल्म के गाने भी लिखे हैं। राहुल रंजन और अमित कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और AR प्रोडक्शंस का ये फिल्म है। बहुत ही खूबसूरत गाना, मुझे बहुत ही चौंका दिया राकेश ने, जब राकेश ने कहा कि ट्यून भी उसकी है, बिकॉज मुझे शब्दों की आदत है राकेश से, और बहुत ही अच्छी ट्यून है और बहुत ही अच्छा ट्रैक है, वेरी मॉडर्न। तो मैंने राकेश को, जब लिख रहा था मैं गाना, तो मैंने कहा म्यूज़िक किसका, तो बोले राकेश। आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, और मेरे दिल से ये दुआ है कि इस फिल्म के बाद सारी टीम को बहुत सक्सेस मिले। और गाना सुन के तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये राकेश की एक नई शुरुआत है एज अ कंपोजर एंड राइटर। हाँ, रोमांटिक है, पर जिस तरह से कंपोज किया है इसे, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक में भी एक अलग ढांचा है। गाना अलग नहीं कहूँगा, पर जो कॉम्पोजिशन स्टाइल है वो बहुत अलग है। जैसे रफ़ी साहब ने बहुत सारे खूबसूरत गाने गाए थे, पर जब पंचम दा ने उनके लिए गाना बनाया चुरा लिया, तब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाना, यू नो, वो वाला चेंज है। तो ये एक बहुत ही प्लेजेंट चेंज कहूँगा। जैसे पंचम दा ने मुकेश साहब को, यू नो, द ग्रेट मुकेश जी को, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, तो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यू नो, उस तरह से पियानो, बिकॉज लोगों को बहुत ही खूबसूरत ढांचे में मुकेश जी के गाने सुनने की आदत थी। तो वो वाला एक नयापन है इस गाने में, यू नो, एवं नयापन नहीं, नया बोलने के लिए नया नहीं, उसका स्ट्रक्चर, उसके शब्द, यू नो, काफ़ी अच्छे खूबसूरत उर्दू आरिज जैसे शब्द यूज़ किए हैं। तो और आरिज का मतलब गाल होता है, तो लबों की बात हो रही है, आँखों की बात हो रही है, अंगड़ाई की बात हो रही है, और फिर गालों को गाल ना कह के आरिज जो उर्दू शब्द है, तो ऐसी बारीक बारीक खूबसूरत चीज़ें डाली है। वो तो मुझे पता नहीं, पर एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत था, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट, यू नो, दैट राहुल रंजन हैज़ बीन वेरी एक्टिव। वो कह रहे थे कि आप पूरा गाना आपने समझ लिया, आप गा लीजिए, फिर एंड में अगर मुझे कुछ नहीं मिला जो मैं चाह रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो गाना मैं जब तक उतारू नहीं उसे और अपनाऊ नहीं, उसके पहले उन्होंने दखलंदाजी नहीं की, उन्होंने कहा कि आप इसे जो देना चाहें आप दें, फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज़ जो मेरे जहन में, मेरे दिल में थी, जो नहीं मिली, तो मैं आपको बताऊँगा।